हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के बारे में। यार देखो, माइंड मैपिंग आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, समझी होगी, सुनी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर माइंड मैपिंग कैसे की जाती है ये आपको शायद नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं पता तो आप फिर देख सकते हो। देखो, माइंड मैपिंग क्या होती है, जब आप कोई भी चीज़ को अपने माइंड में सोचते हो बट आप कन्फ्यूज होते हो कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, इट शोज़ लाइक यार कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये कन्फ्यूज हो कि यार आपको डाइटिशियन बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए। तो इसलिए माइंड मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है कि आपके जो माइंड में स्ट्रक्चर आ रहा है उसको आप पेपर पे नोट कर लेते हो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको क्या करना सही रहेगा। इसे माइंड मैपिंग कहा जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर माइंड मैपिंग कैसे की जाती है, मेन पॉइंट ये आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे पार्ट है, एक पार्ट पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं टिका है। तो आपको क्या करना है इस केस में, जितनी भी पार्ट से पहले आप उनको नोट डाउन कर लो, जैसे SEO, SMO, PPC, एनालिटिक्स हो गया या ई कॉमर्स हो गया, वट एवर जितनी भी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है, हो सकता है मैं आधी चीज़ें स्किप भी कर दूं, तो वो सब चीज़ें पहले आप नोट डाउन कर लो। देन अपनी स्किल्स लिख लो, ठीक है। हो सकता है आप जब स्किल लिखोगे तो आपको ये पता चल जाए कि यार आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बना ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को पहले से सोच चुके हो तो आप क्या करते हो कि उस लिस्ट के अंदर आप चॉइस करते हो आपको क्या करना पसंद है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, लाइक मुझे सोशल मीडिया करना पसंद है, तो मैंने जब माइंड मैपिंग करी थी तो मैंने उस पे सबसे पहले देखा था कि मुझे सोशल मीडिया के लिए क्या करना सही रहेगा, सोशल मीडिया के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। सोशल मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सोशल मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको क्रिएटिविटी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया रेगुलर बेसिस के अपडेट्स हैं, जैसे SEO है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको अवेयर होना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी पार्ट आना चाहिए तो उसके लिए पेड प्रमोशन आनी चाहिए। अगर आता है तो वो वेल एंड गुड है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो इस चीज़ के मिथ में कभी मत रहना कि वो मैंडेटरी रहता है हमेशा, ये मिथ है एक। तो आप क्या कर सकते हो, जब माइंड मैपिंग करते हो तो सारे पॉइंट लिखते हो, तो आप उसमें अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट चॉइस करते हो कि आपको इंटरेस्ट किस टॉपिक के ऊपर है। जैसे ही आपको इंटरेस्ट आपका मिलता है कि आपका पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है वो इस टॉपिक के ऊपर है, देन आप उस टॉपिक के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो। लाइक मेरे को, जैसे मैंने बताया आपको सोशल मीडिया पसंद है, तो सोशल मीडिया के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लाइक एक बेसिक से डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चाहिए होता है, मेरे को वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ताकि मेरे को उसके लिए बेसिक रील्स वगैरह या छोटे मोटे फॉर्मेट बनाने आने चाहिए। तो एक छोटा मोटा फॉर्मेट होता है, मतलब आप अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के अगर जब चलते हो तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर एक एक्सपर्ट की कैटेगरी के अंदर फिट हो जाओ। अब आप समझ सकते हो इस बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप कहीं भी जॉब पोर्टल्स पर सर्च करोगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर स्पेशलिस्ट तो दिखता है, बट इनसे ज़्यादा जब हाई पेड सैलरी की बात आती है तो वो उन्हें मिलती है जो ऑलरेडी सिंगल प्रोफाइल के अंदर अपना सबसे ज़्यादा टाइम दे चुके होते हैं। अगर आप SEO मैनेजर या स्पेशलिस्ट देखोगे ना, तो उनकी सैलरी डिजिटल मार्केटर से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर अपना काफ़ी टाइम दिया होता है, उसको समझने में, सीखने में, और उसके ऊपर बहुत चीज़ें दी होती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले माइंड मैपिंग करनी होगी कि आपको किस सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर मान लो अगर आपको ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, ई कॉमर्स भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसके बारे में नो डाउट आप कर सकते हो। ई कॉमर्स के अंदर अगर आप जाते हो तो ई कॉमर्स के अंदर आप ये देखोगे कि यार कि आपको सेल्स में इंटरेस्ट है नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑफर्स, क्रिएटिव, सब चीज़ें उसके अंदर आप देखोगे। माइंड मैपिंग के बेसिस पे आप सारे पॉइंट्स के प्रोज एंड कॉन्स लिखोगे। जैसे आप जब लिखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के इस क्राइटेरिया के अंदर बहुत अच्छे से फिट होती हूँ या होता हूँ। देन आप उसको अपनी प्रोफाइल के अंदर मैच करते हो। तो आप इस तरीके से माइंड मैपिंग कर सकते हो। सबसे मेन प्रो टिप रहेगी, अगर आप किसी भी प्रोफाइल के अंदर जाते हो, चाहे वो SEO हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई भी हो, उसके अंदर कोशिश करना कि आप जब इसके अंदर पर्टिकुलर में अगर आप एक्सपर्ट जब बन जाते हो तो एक्सपर्ट्स के साथ आप पेड प्रमोशंस को भी ग्रैब करें, क्योंकि कंपनीज चाहती है कि बंदा पर्टिकुलर फील्ड में मल्टीटास्किंग में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, और आप धीरे धीरे करके बाकी चीज़ों में अपडेट तो आते ही रहते हो। तो ये आपके लिए अभी के लिए प्रो टिप। अगर आपको ऐसी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।